हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी मेरी तरह इतनी बड़ी डिजिट का इतने कम समय में फास्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रुपेश में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इतनी बड़ी डिजिट का इतने कम समय में फास्ट मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक बताएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस मल्टीप्लाई को हम दो स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे। पहले स्टेप में हम इस 1837 में से 1 को माइनस कर देंगे। 1837 में से हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1836 बचेगा। दूसरे स्टेप में हम इस 1836 को इस 9999 में से माइनस कर देंगे। देखिए, 9999 माइनस 1836 9 से 6 आएगा माइनस करेंगे 3 बचेगा 9 से 3 माइनस करेंगे 6 बचेगा 9 से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा 9 से 1 माइनस करेंगे 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला एग्जांपल ले लेते हैं। 99 मल्टीप्लाई 1856। फ्रेंड्स, पहले स्टेप में हम इस 1856 में से एक को माइनस कर देंगे। 1856 में से एक माइनस करते हैं तो हमारे पास 1855 बचेगा। अब हम दूसरे स्टेप में इस 1855 को इस 9999 में से माइनस कर देंगे। 9999 माइनस 1855, 9 से 5 माइनस करेंगे 4 बचेगा 9 से 5 माइनस करेंगे 4 बचेगा 9 से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा 9 से 1 माइनस करेंगे 8। यही आपका आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 1926। पहले स्टेप में हम इस 1326 में से एक को माइनस कर देंगे। 1326 में से हम एक माइनस करते हैं तो हमारे पास 1325 बचेगा। 1325 को हम बाहर लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में इस 1325 को इस 9999 में से माइनस कर देंगे। देखिए, 9999 माइनस 1325, 9 से 5 माइनस करेंगे 4 बचेगा 9 से 2 माइनस करेंगे 7 बचेगा 9 से 3 माइनस करेंगे 6 बचेगा 9 से 1 माइनस करेंगे 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 1853। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा यही स्टेप होगा, इस 1853 में से हम एक को माइनस कर देंगे। 1853 में से एक को माइनस करेंगे तो 1852 बचेगा। 1852 को बाहर लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में इस 1852 को इस 9999 में से हम माइनस कर देंगे। देखिए, 9999 माइनस 1852, 9 से 2 माइनस करेंगे 7 बचेगा 9 से 5 माइनस करेंगे 4 बचेगा 9 से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा एंड 9 से 1 माइनस करेंगे 8 बचेगा। एटीन फिफ्टी टू एट्टी वन फोर्टी सेवन
यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।